नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। राजधानी में कोरोना वायरस के बदलते रूप यानी वेरिएंट को देखते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार सतर्क हो चुकी है। ऐसे राज्य जहां कोरोना का नया वेरिएंट मिल रहा है या मिलने की आशंका है, वहां से दिल्ली आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि पंजाब, महाराष्ट्र, केरल समेत अन्य प्रभावित राज्यों से आने वाले नागरिकों को अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। किसी भी स्तर की लापरवाही घातक हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पहले ही अपनी 3 लहर कोरोना की देख चुका है। इस फैसले के मद्देनजर दिल्ली में सार्वजनिक बसें और मेट्रो ट्रेन अभी कम से कम 2 सप्ताह और सीमित यात्रियों के साथ ही चलेगी। डीडीएमए की इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव विजय देव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे। दिल्ली परिवहन विभाग यानी डीटीसी ने पिछले सप्ताह डीडीएमए की इस बैठक में बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बैठक में ये तय नहीं हो पाया कि ये करना सही होगा या नहीं होगा। इसी के ऊपर उपराज्यपाल ने यह फैसला दे दिया है कि अगले 2 सप्ताह तक उन्हीं नियमों का पालन करना होगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।